वेलकम आकिल भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी खवातीन से रिलेटेड के जो डेट्स होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कभी ये ताक रातें उन्हीं दिनों में आ जाती हैं, तो उनमें हम ऐसे क्या चीज़ पढ़ सकते हैं कि जो कि इबादत में हमारी काउंट हो, क्योंकि ये रात तो फिर एक साल बाद ही आती ना, उन खवातीन के लिए कोई ख़ास तो नहीं होगी ना। सही बात है, बहुत अहम सवाल है। नहमदुह व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाइज़ा औरत अगर शब कदर पाले तो क्या करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा औरत को मना फरमाया है कि वो नमाज ना पढ़े। दो चीज़ों से उसके लिए ममानियत है, नमाज और रोज़े की। रोज़े की कज़ा वो शव्वाल में रखे या पूरे साल में कभी भी रख सकती है। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइज़ा औरत की माफ़ फरमाई है, उसको उसकी कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितने भी काम हैं वो कर सकती है, कुरान पढ़ सकती है, ज़िक्र अज़कार कर सकती है, और नेकियों को बटोरने के जो मर्द हजरात काम करते हैं सिवाय नमाज के, वो सब कुछ कर सकती है। तो क्या सिर्फ नमाज ही शब कदर में पढ़ी जाती है? नहीं, आप कुरान पढ़ें, आप ज़िक्र अज़कार करें, आप अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अन्नी, तो ये तसव्वुर लेकर बैठना कि हाइज़ा औरत कुछ नहीं कर सकती शब कदर में, ये दुरुस्त नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।